प्राथमिक विद्यालयों में गरीब बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे शिक्षा मित्रों ने सोमवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष राम नगीना साहनी के नेतृत्व में निरस्त समायोजन की बहाली के लिए एक दिवसीय धरना दिया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में शिक्षा मित्र मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष राम नगीना निषाद ने कहा, हमारी मांगे पूरी हो, निषाद जिंदाबाद, शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, मांगे पूरी हो, आवाज दो। राम नगीना निषाद जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ उत्तर प्रदेश जनपद इकाई गोरखपुर। जैसा कि सर्वविदित है, हम लोग विगत 17 वर्षों से उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में काम कर रहे हैं और बीच में हम लोगों का पूर्व की सरकार ने समायोजन कर दिया था, माननीय उच्च न्यायालय से हम लोगों को बर्खास्त कर दिया गया था। उसी क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय से भी हमें बर्खास्त कर दिया गया था। मांग करते हैं कि अध्यादेश ला करके हमारे समायोजन को पुनः बहाल करें या हमारे पद में किसी प्रकार का अन्य नाम परिवर्तन करके उसी वेतन मान पर बहाल करें कि बिना कट ऑफ लगाए हमारे भरांग को देते हुए हमको सहायक अध्यापक पद का दर्जा दिया जाए, यही हमारी मांग है। आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में एक साथ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। अगर हमारी मांग सरकार नहीं मानती है तो आगे का रणनीति हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जिस तरह से आदेशित करेंगे आगे की लड़ाई भी पुनः लड़ेंगे।